दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कई राज्यों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आइए देखते हैं देश भर का आज का ताजा मौसम अपडेट क्या कहता है। मौसम समाचार के इस वीडियो में जानते हैं कि किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं भारी बाढ़ भी देखी जा रही है। राजस्थान में बिजली गिरने से 5 और लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में भी लैंडस्लाइड के चलते 3 लोगों की जान जाने की खबर है। आपको बताओ, इससे पहले कल कुल्लू में बादल फट गया था, नाले में कई लोग बह गए थे, इसमें भी एक महिला की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग का कहना कि महाराष्ट्र राज्य में भारी बारिश की चेतावनी, 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट पर रहेंगे महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे। वहीं गुजरात में भी 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात सूत्रपाड़ा में 30 घंटे में 300 mm बारिश हुई। कर्नाटक में भी देखिए, तटीय इलाकों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में भयंकर भारी बारिश यानी कि हेवी रेन की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से कर्नाटक राज्य में आज स्कूल कॉलेज को भी बंद रखा गया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के भी 15 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 24 शहरों में जोरदार वर्षा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। एमपी, भोपाल, इंदौर में भी भारी बारिश का अलर्ट है और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल सहित 12 से 20 राज्यों में मौसम विभाग ने 10 तारीख तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब समेत इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग का अलर्ट है कि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां से आप दूर रहें। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान और तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू वगैरह इन राज्यों में। अच्छा, वहीं आपको बता दूं, किसान भाई लोगों के लिए मौसम के साथ साथ फसल और पशुपालन की भी सही जानकारी देने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने CSU वेदर नाम से एक नया ऐप तैयार किया है। ये ऐप मौसम वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया, न केवल मौसम की जानकारी देगा बल्कि पशुपालन के विषय में भी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि देश में बाढ़ से हो रही मौतों की संख्या डराने वाली है। बिहार को लेकर एक रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। हालिया एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला दोस्तों कि साल 2011 से 2015 के बीच 3,092 लोगों की बाढ़ से जान गई। वहीं 2015 से 2020 के बीच मौतों की संख्या का आंकड़ा 3677 हो गया, जो कि बड़ी चिंता की बात है। ये चार्ट में डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखा गया। कुल्लू में जो कल बादल फटा उससे बाढ़ आई, जिसमें 4 से 5 लोग तो अभी भी लापता हैं, 5 गायें भी बह गई और इस घटना के बाद 140 से भी ज्यादा सड़कें बंद है। ना सिर्फ भारत में दोस्तों, असम, बिहार इन राज्यों में बाढ़ का कहर मंडरा रहा, बल्कि देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में भी मौसम की मार और बाढ़ से हाल बेहाल चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में भी कई इलाकों में बाढ़ के चलते 85,000 लोगों का घर खाली करवाया गया और रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, तो कोंकण और गोवा, दक्षिण गुजरात में तो मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उत्तराखंड की तलहटी, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, सिक्किम के अलावा और भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल में और झारखंड, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर हल्की भारी बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा अगले 3 दिन का मौसम अपडेट। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।